नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष कुमार। मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, मदद कीजिए। यह अपील देश की महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ट्विटर पर की थी। मैरी कॉम ने इसमें जलते हुए मकान और गाड़ियों की तस्वीर भी पोस्ट की थी। 3 मई से मणिपुर में चारों तरफ आरक्षण की आग लगी है। सेना फ्लैग मार्च कर रही है। जगह जगह घरों में आग और भयावह स्थिति है। इंटरनेट बंद है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। सीएम ने शांति की अपील की है। एसटी आरक्षण में एक जाति को जोड़ने का विरोध है। एससी एसटी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते भर की हिंसा अब धीरे धीरे शांत हो रही है। राज्य में सेना, असम राइफल्स और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती के बाद हालात सुधरे हैं। इस बीच मणिपुर सरकार ने हिंसा में जान गंवाने वालों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है। बताया गया है कि अलग अलग हिंसा की घटनाओं में 54 लोगों की मौत हुई। हालांकि अनाधिकारिक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बताया गया है। इम्फाल घाटी में शनिवार को मार्केट और दुकानें खुल रही हैं, साथ ही सड़कों पर कुछ वाहन दिखाई दिए हैं। इस बीच राज्य में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद दिखाई दी। अब तक राज्य में सुरक्षा बलों के 10,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। इस कड़ी सुरक्षा के चलते इम्फाल में लोग सड़कों पर दिखने लगे हैं। आइए समझते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है और क्यों मणिपुर हिंसा की आग में सुलग रहा है। दरअसल ये पूरा मामला हाईकोर्ट से शुरू होता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ, इसके बाद से ही माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। 14 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने मेईतेई समुदाय के आरक्षण की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश करे। मेईतेई समुदाय ने हाईकोर्ट में कहा था कि उनकी परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए मेईतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से ही तमाम आदिवासी समूह विरोध में उतर आए। उनका कहना था कि मेईतेई समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। कुकी और नागा जनजाति के लोगों ने इस विरोध की शुरुआत की और इसमें उनका साथ तमाम अन्य जातियों ने दिया और फिर देखते ही देखते हिंसा भड़क उठी। अब जाकर स्थिति सामान्य हुई है। अब देखना ये होता है कि इस हिंसा के बाद सरकार का क्या रुख होता है। लेकिन सवाल ये है कि जब मणिपुर हिंसा में जल रहा है, देश की महिला मुक्केबाज प्रधानमंत्री से मदद की अपील कर रही है, एक तरफ दिल्ली जंतर मंतर पर पहलवान धरना दे रहे हैं और पूरी केंद्र सरकार चुनावी राज्य में व्यस्त है, इस पर आपकी क्या राय है हमें अवश्य बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य खबर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।